आप अफ्लुएंट है हो ऑलरेडी जो है उसका मुंतखब है, गजीट है, सर्वे रिपोर्ट है, हर चीज़ है। ये देखो आप, तो हम लोग जो है ना अभी रिव्यू आज रिव्यू करें पूरे स्टैंडिंग काउंसिल को बुला के, हाई कोर्ट के वगैरह के, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी ऑनलाइन बात करें, बात करके हम लोग जो है ना वहाँ पर भी कंसल्ट कर रहे हैं और सीनियर को लगा के जो है ना फिर अपील को जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ पर रुजू होके उसको छोड़ेंगे ना, हम खामोश नहीं बैठ सकते हो। वफलैंड ऑलवेज वफ रहता, क़यामत तक वफ रहता हो, कुछ भी मैनेज करके कुछ भी वहाँ पर कर लिए तो हमारे को उससे मतलब नहीं है, हम वो लैंड को छोड़ेंगे नहीं। वफ ट्रिब्यूनल में भी हमारे फेवर में हुआ था, हाई कोर्ट में भी हमारे फेवर में हुआ था, फिर उसके बाद में वहाँ जाके जो है वहाँ पर क्या करे वो नहीं मालूम, मगर हम लोग हर चीज़ डॉक्यूमेंट है, हमारे को परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट है, पूरी इतनी फाइल है उसकी, फाइल क्या है उसकी। अगर सीएम केसीआर अगर सेकुलर होते, इधर सुनिए आप, तो 20 जरा एक नहीं नहीं साहब आप इसका जवाब दीजिए, इधर आप देता मैं आखिर में बोलते आप केसीआर सेक्युलर है बोले तो बिल्कुल सेक्युलर है। इधर सुना अभी है, सुप्रीम कोर्ट को तो कोई रोक नहीं सकते ना, जज को फैसला था, सीएम का रोल नहीं रहता वहाँ, फैसला गवर्नमेंट के पास आया ना साहब, केसीआर गवर्नमेंट के हाथ में आया। इधर सुनिए आप, केसीआर गवर्नमेंट रहो या कोई भी गवर्नमेंट रहो, ये पहले से चलते हुए आ रहा सो है, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी दिए जमीना, टीडीपी गवर्नमेंट में भी उठा के दिए जमीना, जमाने से चलते हुए आया है। ये जो है ना मतलब वफ नहीं है समझ के जो है ना, मतलब इनाम लैंड है, वो लैंड है, ये लैंड है बोल के चला ये लोग, मगर ये वफ लैंड है, मैं बोल रहा हूँ आपको इंशाल्लाह ताला ये क़यामत तक वफ रही थी, फिलहाल खुश हो जाने का नहीं है जीते बोल के, वैसा कुछ भी नहीं है, वो टेक्निकल टाइप में दिया उन्हें आर्डर, उसके अंदर जो है ना कंपोजिशन दे बोल के भी एक आर्डर दिया, चार पाँच आर्डर है वो, तो उसको हम लोग जो है ना अल्लाह चाहे तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को फिर रिव्यू करेंगे। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से भी, हम लोग स्टैंडिंग काउंसिल भी हमारे हाईकोर्ट के वफ ट्रिब्यूनल के सबसे हम लोग मशवरा करें, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से भी मैं अभी बात करें सबके सामने हम, उसके बाद में उन्होंने भी बोले कि ठीक है अपन रिव्यू करेंगे इसको, फिर जाएंगे इसको सुप्रीम कोर्ट में रुजू होंगे हम लोग, हम लोग खामोश तो नहीं बैठेंगे इसको, क्योंकि हमारे को अल्लाह को जवाब देना है, या किसको भी जवाब देना नहीं है, अल्लाह से डर के करना है, ये एक चीज़ है। रही दूसरी चीज़ जो है शामीर पेट की मस्जिद में, ये केस बुक करा दिए, सेक्शन लगा दिए उसको 447-427-295-IPS-52AWA, समझे आप, FIR दर्ज कर दिए, क्रिमिनल केसा बुक कर दिए, ये लोगों के नाम पे विनोद रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी और MD शाहनवास, ये लोगों के ऊपर FIR भी बुक होगा, और ये लोग अरेस्ट के लिए जो ना पुलिस निकली हुई भी है, ये लोगों को छोड़ दे नहीं, और वहाँ पर इंशाल्लाह ताला आज असर में तो मगरिब की नमाज, क्योंकि वहाँ साफ सफाई चल रही है, वहाँ पर पूरी हमारी टीम गई हुई है, सर्वेयर MRO सबको भिजा दिए हम, पुलिस भी जो है ना कॉर्पोरेट कर रही है वहाँ पर, कॉपरेट कर रही है वहाँ पर, अल्लाह चाहे तो नमाज भी होंगी वहाँ पर, हाँ हम भी विजिट करेंगे वहाँ, चाहे बैठने को है क्या, वैसा रहा तो जाना पड़ता है स्पॉट पे, कोई भी रंग बराबर मस्जिद तामीर होंगी, वक्फ बोर्ड से तामीर होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे आप। और कुछ कि इन लोगों को भी जो है कोर्ट में डाल के उन लोगों ने पट्टा पानी वो है कहते हैं डुप्लीकेट बना लिए, सो वो भी कैंसिल कराने के लिए उल्ला भी कोर्ट को कहते हैं, हम भी कोर्ट को जाएंगे, वो हाई कोर्ट को बोल के है, और इमीडिएट वो पेपर निकालने के लिए भी हम MRO को भिजाए, सर्टिफाई काफ़ी अलग लोगों के रजिस्ट्रेशन किए हुए हमारे पास नहीं है ना, वो वहाँ से लेके हम लोग इन लोगों को अरेस्ट भी कराएंगे पूरी तरीके से, और हम कोर्ट में भी जाके करेंगे और कैंसिल करा देंगे उनकी सेल डीट, जो 9 एकड़ 20 मिनट है वो सेल डीट कैंसिल होंगी, वो लोग हारने की वजह इसका जिम्मेदार देखो आप, यहाँ पर हर चीज़ है हमारे पास, पेपर्स पूरे मुंतखब है, सर्वे है, अराटा करे सो है, हर चीज़ है, और यहाँ पर ये भी जीते सो है, उन्हें हमारी गजिट को सेटिस्फाई नहीं करा उन्हें, गजिट का नाम ही नहीं लिया, आप कापी पढ़ लीजिए, गजिट का नाम नहीं लिया, गजिट को सेटिस्फाई नहीं करा, गजिट को कुछ डिस्टर्ब नहीं करा उन्होंने बोला ये अराटा की बेस पे, सुने तो अल्लाह का करम है, हम लोग रिव्यू को जा रहे हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, और हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, अल्लाह चाहे तो अभी वही मीटिंग थी हफ्ते के दिन, हम लोग CEO हम लोग सब लोग बैठ के पूरे और सीनियर एडवोकेट्स को बुला रहे, बुला के उन लोगों का ये करके इमीडिएट काम चालू करके, 1 महीने का टाइम रहता रिव्यू करने का उसको कोर्ट में, फिर रिज्यू होने का, तो
तो इंशाल्लाह ताला उसको हम लोग खामोश नहीं बैठे, फिर कंपोजिशन कैलकुलेट नहीं करे तो इंशाल्लाह ताला जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी मेरी उसमें मैं पूरे चीज़ें बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया उसको जो है ना ऑफिसर फॉलो करने का रहता, बोर्ड क्या करता समझे, आप बोर्ड की मीटिंग कर सकते हैं खाली मशवरा कर सकते हैं। रेट जो है वो हिसाब से पैसा मिलेगा, अपना कोई अलग रेट नहीं रहता ना वक्फ बोर्ड का, गवर्नमेंट रेट जो है मार्केट रेट जो है वो हिसाब से आएगा पैसा वक्फ बोर्ड को। हम उसको रिव्यू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को फिर जाएंगे हम लोग, खामोश थोड़े बैठेंगे हम लोग, फैसला आगे बड़ा केस है साहब आपके पूरे ये 5 साल में। हाँ भाई ये केस तो कब से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है सर। 1950 ये अपने पास जो निजाम चल रहा है सुने, अब मैं तो अभी 5 साल हो रहा है के, तो आपके हिसाब से तो हमारे पीरियड में तो अभी रुकाते के हम लोग सीनियर एडवोकेटों को रखते हैं कांग्रेस और टीडीपी सबसे ज्यादा। बिल्कुल ये देखो आप जब से चलते आ रहा ना भाई, केसीआर साहब की गवर्नमेंट तो अभी आई, उन्होंने हाथ धो लिए। नहीं उन्होंने इन्वॉल्व नहीं है उसमें, उनको कंसर्न ही नहीं है, उनको पैसे की कमी नहीं है, केसीआर साहब उल्टा देते हैं उन्होंने लेते नहीं। अब ये हो रहे ना, ये तो दूसरे कांग्रेस वाले पहले जो बेचा, इधर सुनो आप, जो बेचा जो खरीदा उसके ऊपर कैसा बराबर लगाते पेपर जो बोल रहा उस पर काम करेंगे ना हम, हवाई फायरिंग थोड़ा ही करेंगे। मुतवल्ली है क्या जिस पे केस बुक किया गया है? किस पे मुतवल्ली नहीं है, इनामदार बोल के जो है, ये देखो विनोद रेड्डी बोल के है, सत्यनारायण बोल के एक है, MD शाहनवाज बोल के है, ये सब जो है मिली जुली भगत है। यही नहीं, इससे पहले भी मस्जिदा हैदराबाद में भी तोड़ के प्लॉटिंग करे सो है, नामा नहीं बोलता हूँ भाई, नामा पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास समझे आप, मस्जिदा तोड़ के जो है ना प्लॉटिंग करके जो है ना करोड़पति बने हुए है, वो जगह है ये। बढ़ाने का सवाल नहीं है, नंबर अल्लाह मियां पहले से बढ़ाया हुआ है अपने, कोई बढ़ाने बंदे के हाथ में नहीं है, सब अल्लाह के हाथ में, नंबर बढ़ाना कम करना इज्जत देने वाला ठहरो जी, इज्जत देने वाला जिल्लत का मतला है समझे आप, अगर हम कहीं भी है तो मेरा बताओ, चेयरमैन आके अजी साइन कर दिया बोल के, एक साइन बता दो आप मेरे को, मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूँ वफ को, गरीबों को, एक बता दो साइन खाली पूरे 5 साल के पीरियड में और पहले के 4 साल के पीरियड में, अल्लाह का ऐसा नहीं कोई उंगली से बता नहीं सकते। अब वहाँ मर्डर होगा तो होम मिनिस्टर जाके क्या करेंगे, वहाँ पर CM है देखा, वहाँ पर मर्डर आवास हो जाएगा, खाली बोल सकते कंट्रोल कर सकते बड़े ऑफिसरों को बोल सकते, तो ऐसी बात है भाई, जरा सोच समझ के बोलिए आप लोग भी। RMB की कोई गवर्नमेंट दी है ऐसा उठा के वक्फ को लियो जमीन बोल के, अनिशिल कुरबा इतना बड़ा बन रहा है यहाँ पर चौरस्ते पे 22 करोड़ रुपए सेंक्शन करे, अरे ऐसे बहुत चीज़ें हैं। अब KCR साहब की तारीफ कर रहे बोल तो करना पड़ता, कौन दिया 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप KCR साहब की गवर्नमेंट में दिए, कौन दिया मतलब शादी मुबारक स्कीम में 18,000 देते थे पहले, 1 लाख चिल्लर दे रहे मतलब गरीबों को, ऐसे क्या स्कीम है, सेकुलर CM बोलते वाकई सेकुलर CM है, मगर अब क्या CM साहब जाके देखेंगे मस्जिद कौन तोड़ा बोल के, मालूम होते वहाँ पर कैसा भी बुक हो गए, अब कल बोले पेपर वाले जो है ना कैसा बुक नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करे, खाली आके ठहरे, खाली आके ठहर के झंडे लेके फिरने से नहीं होता, काले झंडे पीले झंडे समझे, अब काम पक्का अंदर से कराए सो है और वहाँ काम भी चल रहा है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, 10-15 आदमी हमारे वहाँ ठहरे हुए वहाँ पर मस्जिद कने, और वो तोड़ाए वालों को भी छोड़ते ना, अरस कराया था खामोश नहीं बैठते वो लोगों को भी, इंशाल्लाह नमाज भी होंगी वहाँ पर समझा, बन रही सुने जरा, सेग्रेटेड मस्जिद बन रही, फाउंडेशन रख दिए वहाँ पर, पार्किंग की जगह कम है बोल के फिर प्लान चेंज हुआ, उसका प्लान सेट कर रहे पार्किंग भी रहना क्योंकि रोड भी आ रही वहाँ अंदर बोल के, वहाँ पर मस्जिद जो है 1-2 दिन में काम भी, रमज़ान में नमाज होंगी इंशाल्लाह यहाँ भी, कहाँ पर सेग्रेटेड की मस्जिद में भी, हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं भाई, अब पब्लिक गार्डन की मस्जिद देखिए आप, पूरा पानी पचर रहा था वो मस्जिद में भी वक्फ बोर्ड से 70 लाख रुपए सेंक्शन करके जो है, इधर सुनो आप एक मिनट ठहरो भाई, 70 लाख रुपए सेंक्शन करे यहाँ पर करके जो है ना, वहाँ पर मस्जिद बन रही, मार्बल फ्लोरिंग करा रहे हैं वहाँ पर, जो शेड डाले थे पहले का बुदबुदा होगा था, नया शेड डाला है वहाँ पर, वहाँ फॉल सीलिंग करा रहे, हाइट उठाए उसको, आगे बढ़ाए शेड को, ऐसे कई चीज़ें करते जा रहे खामोशी से हम लोग,
क्या आप झंडे लेके बोलना कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, बल्कि वक्फ बोर्ड दिया साहब, गवर्नमेंट नहीं दिया। हाँ भाई वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट एक, अरे सुने अब, रिव्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की सपोर्ट रहने से 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है कैंसिल करे। एक मिनट ठहरो भाई साहब, बोलने दो, ठहर जाए। एक मिनट, एक करोड़ वैल्यू का नहीं, 10 करोड़ लाख वैल्यू का होगा, हम छोड़ते नहीं वो चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये है, हमारी गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि जो है ना, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए, कई को हुए। अगर ये गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं रही तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता नहीं होता, क्योंकि किसकी गवर्नमेंट में हुए बोलो, एक रजिस्ट्रेशन वक्फ प्रॉपर्टी का कैंसिल करे तो इंडिया लेवल पर बताइए आप, समझे आप। मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूँ अगर दूसरों की गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ बोले तो। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, समझे आप। कितना भी पुकार लो लोगों, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अल्लाह से डर के काम कर रहे। वफ का जो है ना काम बराबर, हम इधर सुनो, हम इधर सुनो आप, एक मिनट तो क्या इशू भी कराएंगे क्या? बराबर कराएंगे, बराबर बराबर, एक मिनट गौस भाई जरा एक मिनट, हम अपील को जाएंगे, बराबर जो है रिव्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम खामोश क्या हार के बोल के बैठेंगे क्या? कई चीज़ अब सालारे ओलिया को स्टे मिल गया था, डिसमिस कर दिया था उन्हें, अब सालारे ओलिया की कितनी एकड़ है? 200 एकड़ जमीन है, वो स्टे ला लिया हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ही लेके आए, फिर रिव्यू करके इसको भी रिव्यू करके लेके आ लेते हम लोग, खामोश नहीं बैठते। आप बोल रहे होंगे मेरा टाइम हो जा रहा, 23 तारीख 24 तारीख तक है, 2 हफ्ते है साहब, 2 हफ्ते रहने दो, 1 दिन रहने दो, हमारे से जितना होता गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम बराबर फॉलो करेंगे। और हटने के बाद भी हम जो है ना सीएम साहब को बोल के हम ये चीज़ को जो है हासिल कराने की कोशिश करेंगे हम। और जो कंपोजिशन जो बिल्डिंग वगैरह बना लिए उसका कंपोजिशन जो है ना वकोट को आया वैसा भी करेंगे हम। हम क्या खामोश बैठेंगे? रिव्यू करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं हम बराबर। आप 8 लाख करने से कई जमीन बचे, 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है कैंसिल करे। अब कल मस्जिद जो है डिमोलिश करे तो जो है ना कौन करे? गवर्नमेंट करी, वकोट करा, मालूम ही नहीं है ना, नॉलेज में नहीं है। जैसा मालूम होते आज पेपरों में भी उल्टा सीधा लिख दिए कि केस भी बुक नहीं कराए हुए बोल के, या केस बुक कराए, केस की कापी है यहाँ पर। कल हमारा पूरा टास्क फोर्स टीम वकोट की जाके हम लोग को फॉलो करके, सीओ फॉलो करे, मैं फॉलो करा करके जो है ना केसा बुक कराए वहाँ पर, जो जो करे सवालों के ऊपर, वो लोग अरेस्ट वारंट है वो लोगों को, और वहाँ काम भी चालू करा दिए हम लोग वहाँ पर, समझे आप, के ऊपर कराए, समझे आप। 2011 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो लोग बेचे, अहमदुल्ला थे, कौन थे उस टाइम पे जो है, वो लोग बेचे। बेचने के बाद में उन्हें और एक जना दूसरे को बेचा, बेचने के बाद में ये लोग जो है ना 3 दिन पहले बोले गए थे गंवालों को, तो गंवालों का काम है ना यहाँ वकोट को इत्तला करना, अगर तुम्हारी दम नहीं है वहाँ पर तो हमारे को बोले, तो हमारी टीम जाती, हम जाते स्पॉट पे जाके रुकाते हम, समझे अब। हमको जहाँ भी मालूम है बने मस्जिद बोले तो 7 मस्जिदा खोले केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, कौन किसकी गवर्नमेंट में, इंडिया में कौन खोला बोलो, समझे अब। मस्जिदा तोड़े बोल के पुकार रहे लोग, हाँ कांग्रेस के दौर में खुद मस्जिदा टूटे, मस्जिद फारूक एयरपोर्ट की रनवे की मस्जिद, रनवे में मस्जिद गई, उन्हें बोल रहा सत्तूर से क्या की बोल रहा, वो कौन की, वो फिरोज खान का भाई, चिल्लरों को मालूम ही नहीं है कानून क्या है, हर चीज़ क्या है, अल्लाह से डरो रे, खाली पॉलिटिक्स खेल लिए तो हो जाता है ऐसा। ऐसे कितनों को देख लेते यार हम 40 साल से, ऐसे लोगों से डरते बैठते क्या हम यहाँ पर? हम अल्लाह से डर के काम कर रहे हैं यहाँ पर, फ्री सर्विस दे रहे हैं, अल्लाह के हाथ से दे रहे हैं हम, किसी को खुश करने को नहीं दे रहे हम। और केसीआर साहब भी ये मामले में नहीं, कांग्रेस जो है आई तबाह करके गई, TDP भी लिया गया इनके मशवरे से ही, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है ना उसेफ अहमदी बोल के जो जज के बेटे हैं उन्होंने बहुत से अभी दीवान साहब बोल के वहाँ के सीनियर एडवोकेट को, 8 एडवोकेट को लगाए हम लोग सीनियर वहाँ पर, एक दो भी नहीं, सीनियर पे सीनियर, फिर जो दरगाह वाले भी जो है उन लोगों का भी लगाए, ऐसा करके 12 से 15 एडवोकेट हमारे सीनियर थे वहाँ पर। अरे भाई एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ मगर मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर वफ लैंड है बस। हाँ भाई तो हम लोग अब अपील को जाएंगे, उसको लायरों से पूरा डिस्कस चल रहा, कल से चल रहा हो। सब हर चीज़ है वहाँ पर, कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़, कोई पेपर की कमी नहीं है, अल्लाह के करम से हर पेपर पेश करे वहाँ पर
जज का मामला है, डबल बेंच का, उन्हें कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम लोग भी जो है ना खामोश नहीं बैठते, हम भी फिर रुजू होंगे सुप्रीम कोर्ट से और रिव्यू करेंगे हम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू करके हम इसको खामोश तो नहीं बैठ सकते हम। गवर्नमेंट का वही प्रोसीजर चल रहा हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हर चीज है, उन लोगों के खिलाफ खड़ा करें हम लोग। गवर्नमेंट थोड़ा ही वहाँ पर ऑफिस बनाई, वहाँ पर जाके कुछ कलेक्टर ऑफिस बनाई या कुछ बनाई तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाते थे। गवर्नमेंट नहीं बनाई वो, वहाँ बिल्डिंग बने हुए मल्टी नेशनल बिल्डिंग आ गए वहाँ पर, वहाँ पर कारपोरेट ऑफिस आ गए वहाँ पर। कांग्रेस टीडीपी के दौर में हुआ है सो धनाधन। हाँ वो पहले की गवर्नमेंट बेची हो, ये गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ है, ये पूरी चोरी की अम्मा, ये गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ, पूरा चोरों की अम्मा कांग्रेस, टीडीपी कांग्रेस के दौर में ही पूरे कब्जे हुए वहाँ पर, पूरा गवर्नमेंट दी होंगी पहले की। ये गवर्नमेंट में हम आने के बाद में 5 साल के दौर में तो एक जमीन भी हम लोग अलाट नहीं करे हम लोग।